नमस्कार, आप देख रहे हैं गौहार छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लंबे समय से एक बड़ी समस्या बन रहा है। 15 साल भाजपा की सरकार रही और बीते 2 साल से कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर कमी नहीं आई है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार निर्णायक लड़ाई के मूड में आ चुका है। बीते दिनों दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी हुई और अब वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जिसमें वे सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, सीएएफ के अफसरों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही राज्य के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। बैठक में वे सुरक्षा बलों और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधी बात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केंद्र और राज्य की तैयारी है कि नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पहले केंद्र में जो भी सरकार कांग्रेस की रही है, नक्सलवाद को गंभीरता से नहीं लिया और राज्य में भी यही स्थिति है। लेकिन अब मोदी सरकार गंभीर है, जिसका उद्देश्य पूरी ताकत से नक्सलवाद को मिटाना है, जिसके चलते प्रदेश का समुचित विकास हो सके। केंद्र और राज्य की तैयारी है, लगभग नक्सल गतिविधियों को नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा के किनारे से तक समेट दिया गया है। अब चाहते हैं जैसे अंबिकापुर और बलरामपुर का इलाका नक्सलियों से मुक्त हुआ, वैसा हमारा दक्षिण बस्तर का जो हिस्सा है उसको भी मुक्त कराने की तैयारी है। तो ये समन्वय बना करके रणनीति बनाने का काम चल रहा है और के विजय कुमार जी का दौरा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने भेंट की है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बस्तर में हमारे जो आने वाले समय की मुहिम है और तैयारियां हैं, उसके सिलसिले में समीक्षा हुई होगी और चर्चा हुई होगी। लेकिन अब बस्तर नक्सल समस्या से धीरे धीरे मुक्त होने जा रहा है, इस संदर्भ में ही आने वाले समय में हम रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने नक्सलवाद को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तो आज के समय पर नक्सलवाद की जो गतिविधियां फिर से तेजी से बढ़ी हैं और अमित शाह जी ने स्पेशल मीटिंग लेकर कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्यों को एक्टिव करने का काम, राज्यों को सपोर्ट करने का काम और राज्यों के साथ में तालमेल करने का काम उन्होंने प्रारंभ किया है। राज्य सरकार को भी पूरी ताकत के साथ में अगर छत्तीसगढ़ का समुचित विकास करना है तो हमको नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुत तेजी से कार्यवाही करनी पड़ेगी, हमको स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आपको हम ये भी बता दें कि हाल ही में एक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात की तस्वीरें भी ND24 आप तक पहुंचा रहा है। यहाँ बात की जा रही है सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। एक मुलाकात हुई और मुलाकात में सवाल जवाब किए गए। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि आखिर नक्सलवाद की समस्या को कैसे जड़ से खात्मा इसका किया जा सके। सरकार के द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं, बात यहाँ पर मुख्य धारा में जोड़ने की हो या लोन वर्राटू अभियान हो। हालांकि कई अभियानों की सफलता भी हमें देखने को मिली, लेकिन अभियान की वो सफलता देखने को नहीं मिली जिस पैमाने पर सफलता होनी चाहिए। तमाम सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर जो प्रदेश का युवा है वो किस ओर जा रहा है, क्या गलत राह पर पकड़ चुका है, क्या हमारी सरकार के द्वारा स्वर्णिम भविष्य के सपने नहीं दिखा पा रही सरकार युवाओं को, जिसके चलते नक्सलवाद की ओर प्रदेश का युवा झुक रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करते हैं केंद्र की, तो अब केंद्र ने भी इस मामले में दखल दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि एक वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में है और 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ ये दौरा है, और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद अब केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अपनी ठोस रणनीति पर काम कर रहा है। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो कि 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, हर वो कोशिश कर ली गई है चाहे मुख्य धारा में जुड़ने की बात हो, इसके अलावा तमाम अभियान चलाने की बात हो, बात मौजूदा सरकार की हो या हम भाजपा कार्यकाल की बात कर लें, हर वो मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी नक्सलवाद जड़ से खत्म नहीं हुआ। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन अभियान को सफलता नहीं मिली, अभियान को सफलता जरूर मिली है लेकिन उस पैमाने पर नहीं मिली जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य एक साथ आ चुके हैं, एक मंच पर पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब जल्द ही नक्सलवाद का जड़ से सफाया होगा। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं,
और नक्सलवाद के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। कमर कस ली गई है और कहा यह जा रहा है कि रणनीति बन रही है और जल्द से जल्द जो नक्सलवाद है उसका खात्मा किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार जो कि 3 दिवसीय दौरे पर हैं और ये 3 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, सीएएफ के अफसरों से चर्चा की गई है। तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। बात यहां भाजपा कार्यकाल की करें या मौजूदा सरकार की करें, हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आखिर नक्सलवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी नक्सलवाद जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा दूं, उसके बाद चर्चा को हम विस्तार देंगे। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं आप छत्तीसगढ़ भाजपा से। नितिन भंसाली साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस से। और इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी N24 में। सबसे पहले दुबे साहब मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बीजेपी का कार्यकाल देखा है, कांग्रेस का कार्यकाल देखा है, समझना ये चाहूंगा कहां क्यों कौन सी वो समस्या सामने आ रही है जिसके चलते नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी कार्यकाल की बात करूं बड़ी समस्या, मौजूदा सरकार की बात करूं बड़ी समस्या, अभियान दोनों ही सरकार के द्वारा चलाए गए लेकिन इसके बावजूद भी उस पैमाने पर सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। देखिए क्या है कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, 2000 से 2003 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी तो छुटपुट नक्सली वारदातें होती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो एक प्रयोग हुआ था, और वो प्रयोग के लिए मैं अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता, उसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री महेंद्र कर्मा भी शामिल थे। इन लोगों ने सर्वर जुडुम नाम का एक प्रयोग किया। सर्वर जुडुम का प्रयोग मतलब कैंप उन्होंने स्थापित किए और गाँव से आदिवासियों को लाके कैंप में उन्होंने रखा। उस जो कैंप को रखने के बाद वो नक्सलियों में स्वाभाविक है बौखलाहट पैदा हुई, और बौखलाहट पैदा होने के बाद लगातार जो है नक्सली वारदातें होते रही, तो उसकी अगर ये चर्चा की जाए तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। खैर बीच बीच में लगातार कोशिशें होते रही। केपीएस गिल साहब को जो पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका जिनकी मानी जाती रही, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 50,000 रुपए वेतन में एक साल के मतलब संविदा नियुक्ति कहा जा सकता है, उसमें वो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केपीएस गिल जी को उन्होंने बुलाया। केपीएस गिल जी ने अध्ययन के बाद एक फार्मूला दिया था, गोपनीय फार्मूला, उस पर शायद पता नहीं क्यों अमल हो नहीं पाया। फिर केपीएस गिल जी ने वहां पे एक सवाल उठाया, इससे क्या है कि सरकार कहां तक आगे बढ़ रही है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक स्टेटमेंट छपा था कि जिन्होंने केपीएस गिल को उनको कहा था कि खाओ पियो और मौज करो, ये ऑन द रिकॉर्ड जो है मीडिया में बात केपीएस गिल साहब की आ चुकी है। लेकिन फिर भी एक आशावाद की किरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए में भी उस समय फूटी, जब लोकसभा चुनाव के अभियान के लिए यहाँ पर जो है तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो निश्चित रूप से वो अगले 5 सालों में नक्सलवाद का बस्तर से सफाया हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है विजय कुमार जी आए हुए पहल होती दिख रही है, और हमारे जो है मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी, जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को वहां पे जो उन्होंने लगातार पत्र लिखा और सारी चीजें, मुझे लगता है कि वो भी चिंतित है। तो मुझे लगता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर संयुक्त प्रयास करें तो निश्चित रूप से नक्सलवाद को लेकर कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। बिल्कुल सर, संयुक्त प्रयास करने की यहाँ पर आवश्यकता है। और नितिन भंसाली जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो कि 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये दौरा कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं, और नक्सलवाद का खात्मा करने की दिशा में क्या ये कहा जा सकता है ये शुरुआत हो चुकी है? देखिए शुरुआत तो परिवर्तन हुआ इस प्रदेश में, और कांग्रेस की सरकार 15 वर्षों बाद इस प्रदेश में बनी, तो शुरुआत तो तभी हो चुकी थी और इसके नतीजे भी देखने को मिले। बस्तर में जिन इलाकों में स्कूलें नहीं थी, जिन इलाकों में सड़कों को नक्सलवादी छोड़ने नहीं देना चाहते थे गांवों को, और सड़क के काम जैसे शुरू होते थे तो सड़क को बम ब्लास्ट करके बीच से काट देना, ऐसे बहुत सी घटनाएं होती थी, उस पर अंकुश लगाया। लगातार यहां पर केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के समन्वय से लगातार नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ संयुक्त रूप से एक अच्छे ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं।
और काफी मात्रा में नक्सली कुछ धारा में भी लौट रहे हैं। और बस्तर में जैसा कि हमने कहा था सरकार बनने से पहले चुनाव के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कि बस्तर में चैन अमन शांति ये हम हमारी सरकार बनने पर कायम करेंगे। मुझे ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि 2003 में ये नक्सलवाद सिर्फ 3 ब्लॉकों तक सीमित था और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 15 वर्षों में 14 जिलों तक के ये नक्सलवाद पहुंच चुका है। एक चैलेंज है, हमें बस्तर को नक्सल मुक्त करना है, उस दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हाँ, पर ये मिलकर फिर कोई ऐसा जिस प्रकार एक वो हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं केंद्र की सरकार राज्य सरकार के साथ हर मुद्दे पर देखें तो इस मुद्दे पर सौतेला व्यवहार ना करें और संयुक्त रूप से यदि कोई इस समस्या का हल नहीं अभी भी सर आपको तो अभी भी सर ऐसा लग रहा है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि जो प्रयास अभी तक किए गए वो नाकाफी प्रयास रहे हैं और केंद्र का दखल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लग रहा है सौतेला प्रयास है। चलिए भाजपा नेता से मैं समझना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा मैं आपको। राजीव चक्रवर्ती जी, मुझे ये समझाने का प्रयास करें, यदि सरकार की बात कर ले, मौजूदा सरकार का ये कहना है कि 2 साल हमें हो गए हैं और हमने शुरुआत कर दी थी कि आखिर नक्सली मुक्त हमें छत्तीसगढ़ को बनाना है, हर मुमकिन कोशिश कर ली। यहां पर भाजपा कार्यकाल की बात करूं तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए गए। उसके बाद यदि वर्तमान सरकार की बात करें तो लोन वर्राटू अभियान भी चलाया गया, सफलता मिली है, साम दाम दंड भेद हर वो रणनीति अख्तियार कर ली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश का युवा जो प्रदेश का नक्सली बन चुका है, आखिर वो क्या कारण मान रहे हैं कि जो प्रदेश के युवा है वो नक्सली गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, कहां क्यों असफलता देखने को मिल रही है हमें? देखिए, दोनों सरकार ने निश्चित रूप से अच्छा प्रयास किया, डॉक्टर रमन सिंह ने भी अच्छा प्रयास किया है, भूपेश बघेल जी भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है रेड कॉरिडोर, नेपाल के पशुपति से लेकर भारत के तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर नक्सलवादी बना रहे हैं और जो नक्सलवाद जिस उद्देश्य से बना था कि हम बैलेट नहीं बुलेट से लोकतंत्र का अपहरण करके अपनी राजसत्ता चलाएंगे और मजदूरों और किसानों को न्याय देंगे, वो भटक कर डकैती पर और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं वो विचारधारा, और वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों विश्वास करती है, तो ये बड़ी दुविधा, इस पर सारे विचारधाराओं को अलग हटकर केंद्र और राज्य को मिलकर संयुक्त जैसे संयुक्त कमांडिंग फोर्स, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, तो संयुक्त कमांडो फोर्स भी आई थी इसमें, जो नागा बटालियन अमीजो बटालियन की फोर्स आई थी और तमाम तरह के संयुक्त ऑपरेशन करते थे और उसमें काफ़ी हद तक वो बैकफुट पर गए थे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि गांव के अंदर में बहुत जो डीप इंटीरियर है वहाँ पे हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस है वो फेल हो जाती है, या जो सरकार की जो सुविधाएं जो ग्रामीणों तक मिलनी चाहिए वो सुविधा वहाँ तक मिल नहीं पाती है। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो जो समझ आई है। जैसे महेंद्र कर्मा जी ने भी यह प्रयास किया था, वो नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी मैं उनको नमन करता हूँ, वो राज्य सरकार के साथ एक बहुत बड़ा वो था कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के साथ बैठकर संयुक्त रणनीति बना रहे हैं, जैसे अनिल दुबे जी ने कहा, एक बहुत अच्छा गंभीर प्रयास था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून आंदोलन पर रोक लगा दिया। अभी स्थिति यह है कि हमें एक तरफ यह रणनीति अपनानी होगी कि हम कमांडिंग फोर्स जो संयुक्त फोर्स है BSF की बटालियन, आर्मी की बटालियन और CRPF की बटालियन और जो दूसरे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस की फोर्स है और राज्य पुलिस की इंटेलिजेंस, इनको मिलकर एक तरफ ऑपरेशन करना होगा, दूसरी तरफ दवाई देनी होगी, ऑपरेशन और दवाई। और दवाई ये है कि जो ग्रामीणों को जो बरगला कर जो नक्सलाइट बनाया जाता है उनके साथ जो शोषण होता है उस शोषण को रोकना होगा। आज अगर देखते हैं कि क्यों बढ़ा और नक्सलाइट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रामीणों के वनोपज का जो वहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वन बंधु, उनके साथ आज भी चिरौंजी के बदले में नमक का सौदा होता है। चलिए, लेकिन राजीव जी ये बताने का मुझे प्रयास करिए, आपने रोजगार की बात करी है सर, आपने रोजगार की यहाँ पर बात करी है, यदि कांग्रेस सरकार की बात करें तो मात्र 2 साल हुए हैं, लेकिन यदि बीजेपी सरकार की बात करें तो पिछले 15 साल हो गए। यदि पिछले 15 सालों में इतना ही रोजगार दिया जाता तो फिर जो प्रदेश का आम युवा है वो नक्सली बनता ही नहीं।
नहीं देखिए, ये तो विश्वव्यापी समस्या है। ये तो कोई कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में बहुत अच्छा प्रयास किया, इसीलिए आप देखेंगे जो हार्डकोर नक्सली गुड़सा उसेंडी हार्डकोर वर्क चलम्मा, तो ये जो तीन गुट थे जो दलम वाले गुट थे उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया, जो वॉर पीपल एक्शन वॉर ग्रुप थे जो नक्सलाइट के जो दूसरे तो आपका सर कहना ये है कि जो पिछले दो साल हैं उन दो सालों में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं। आत्मसमर्पण किया था, आपका ये मानना है कि पिछले दो साल में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं? चलिए नितिन जी आप कुछ कहना चाहें। नितिन जी बड़ी है जैसे ये लोग कहते थे है ना, तो नक्सलाइट मूवमेंट तो बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन हम केंद्र के साथ मिलकर मैं आंकड़े लेकर आया हूँ, बात करना पड़ेगा। चलिए ठीक है राजीव जी, नितिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आंकड़े, अरे राजीव भाई जो है सुन लेते, आपने कहा कि बड़ा है तो चलो अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लेके बैठा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, रमन सिंह सरकार ने 15 वर्ष में औसत 73 से अधिक प्रतिवर्ष लोगों की नक्सलवाद समस्या में मृत्यु हुई, हत्या हुई। 1099 सुरक्षा बलों के जवान अधिकारी शहीद हुए, 1442 नागरिक और 96 से अधिक प्रतिवर्ष मारे गए। जबकि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में 21 और 2020 में 32 सुरक्षा बलों के जवान अधिकारी, मतलब कुल 53, ये औसत है 27 से भी कम प्रतिवर्ष। और 2019 में 46 और 2020 में 39, कुल 85 नागरिक, मतलब औसत 43 से भी कम प्रतिवर्ष। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा है। हम देखें भाई, आपने कहा तो मैंने तो आंकड़े बता दिए। ये नक्सलवाद 3 ब्लॉकों तक था, मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी। ये विकास सबसे पहले चाहिए कि हमें वहां के लोगों का दिल जीतना है, वहां के लोगों का सरकार के प्रति विश्वास जीतना है, विकास करना है। हमारी सरकार उस ओर अग्रसर है, काम कर रही है। गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और बस्तर का हमारी सरकार बनने में बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी भाइयों को जिन अधिकारों से वंचित करके इस प्रदेश में रखा गया था, हमारा पहला कर्तव्य है कि उनको उनके अधिकार मिले। चलिए बिल्कुल सर, आदिवासियों की भी हम बात करेंगे, फिलहाल तो नक्सलवाद की और हम बात करेंगे, और हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं परिवर्तित नजर आ रहा है, मैं रोकना चाहूंगा। अनिरुद्ध दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से यदि मैं सवाल करता हूं तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाएंगे, लेकिन चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, नक्सली आखिर अपने पैर कैसे पसार रहे हैं, नक्सलियों की अवैध फंडिंग कैसे हो रही है, अवैध संपत्ति कैसे बढ़ रही है, और फंडिंग पर रोक कैसे लगना चाहिए, क्या इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, कई सारे जो है अनछुए पहलू हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अबुझमाड़ में सेना का कैंप लगाया गया था, तो सेना के कैंप का काम कहां तक आगे बढ़ा, क्या आज वहां सेना का कैंप है या नहीं है? मतलब ये संदेश तो यही दिया गया था कि नक्सलवाद नक्सली समस्या के समाधान के लिए, ये अभी तक के स्पष्ट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की ही बात करूं मैं, तो बहुत प्रचार प्रसार किया गया था कि नक्सलियों का शहरी नेटवर्क पकड़ा गया, जिसमें विनायक सेन, नारायण सान्याल, ये जो है दो बड़े नेता पकड़ाए। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, ये दोनों नेता छूटे। नारायण सान्याल जी का तो जो है बंगाल में निधन भी हो गया। तो बहुत सारी जो है अनसुलझी पहली है। जहां तक आप समाधान की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो भौगोलिक स्थिति है जो बस्तर की, वो बहुत पेचीदा है, इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए जो मैं पहले भी कह चुका था और अब भी मैं अपनी बात पर मैं कायम हूँ, जब तक ये ज्वाइंट, देखिए एक थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा, आप ही की बात को लेकर ही मैं कर रहा हूँ और अभी आऊंगा। जब वहां तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी थे, उस समय चिदम्बरम जी जो है रायपुर आए थे, और रायपुर के मंत्रालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड्डी जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, तीनों को लेकर उन्होंने यहाँ पे नक्सली समस्या के समाधान के लिए एक मीटिंग की थी जी। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि मामला उतना आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब वही जो आपने पूछा कि अब कुछ इस तरह की केंद्र की और राज्य सरकार की जो मिलकर पहल हो रही है, तो थोड़ा सा इसको गति देने की जरूरत है। मतलब ये कि जो सघन क्षेत्र जहाँ पे, मतलब ये देखिए 4-5 राज्यों से घिरा हुआ है बस्तर, तो वो वहां पे उसकी तोड़ कैसे निकले, इस पे सोचा जाना जरूरी है। और एक अंतिम लाइन मैंने कह रहा हूँ, एक तो ये कि राजीव चक्रवर्ती जी जो विश्वव्यापी समस्या कह बोल रहे हैं, ये विश्वव्यापी नहीं,
ये आप चीन को जोड़ सकते हैं, आप नेपाल को जोड़ सकते हैं, और बहुत हो गया तो आप रशिया तक की बात करिए, विश्व मतलब पूरा संसार आ जाता है, तो इसकी बात से मैं सहमत नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि नक्सलियों के लिए भी मेरा एक लाइन का कहना है कि भाई जो नेपाल की जो राजनीति उल्लेख है, ये सुनिए मुझे बोलने में, उल्लेख किया उन्होंने नेपाल का स्वाभाविक है, और नेपाल में क्या है कि प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पे नक्सली विचारधारा के लोग चुनाव लड़े, सत्ता में आए। अगर कहीं यहाँ कहीं कोई हिंदुस्तान में गुंजाइश अगर इसकी बनती है तो उस दिशा में माननीय सरकार की बात कर रहा था मैं, लेकिन सरकार की बात अलग हटके कह रहा हूँ, नक्सलवादियों को इस पर जो है सोचा जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, इस पर सोचना भी चाहिए। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, बीजेपी कार्यकाल की यदि बात की जाए तो कहा यह गया था कि नक्सली क्षेत्र में तीव्र विकास होगा, रोजगार होगा, शिक्षा दी जाएगी, जिसके चलते जो युवा है वो नक्सली नहीं बन सकेगा। लेकिन उस दिशा में जो तमाम ऑपरेशन आप लोगों के द्वारा चलाए गए थे वो सारे फेल नजर आए, जिसका फल यह रहा कि नक्सली लगातार बढ़ रहे हैं। कर्मा जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जो जितना विकराल समस्या हमें विरासत में मिला था, उस विरासत के बाद हमने उस पर काम किया, और काम करने के बाद धीरे धीरे, जैसे मैं आपको बता रहा था, पीपल्स ग्रुप है, पीपल एक्शन ग्रुप है, सीपीआईएम, एमएलएस है, ये सारे गुटों का वहाँ पे हमारे इंडिजिनस पास हुई, और ये लोग वहाँ से पीछे चले गए, वहाँ से आंध्रा की तरफ चले गए, और ये कम हुआ, बहुत ही कम हुआ। लेकिन क्या होता है कि नक्सलाइट कभी जो इनका है, ये रक्त बीज की तरह है, यहाँ से सफाया होता दूसरा गुट आ जाता है। तो जो पुनर्वास पैकेज है जो डॉक्टर रमन सिंह ने दिया था, तो बहुत कारगर साबित हुआ। और दूसरा, जो हमने बैकफुट पे जो एक्शन लिया था, जो मिलिट्री एक्शन लिया था, दोनों मिलके बहुत अच्छा काम किया। और 15 सालों में जो विरासत मिला था, नक्सली गतिविधियां 1900, सर आप 2 साल के आरोप पर सरकार के ऊपर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल की बात करें तो पिछले 15 सालों में प्रयास भी आपने करे, लेकिन ऐसा कोई प्रयास साफ नजर नहीं आया है, जिसके चलते जो प्रदेश का युवा है वो नक्सली ना बने। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जो प्रदेश का युवा है वो नक्सली ना बने, और इस दिशा में जो बीजेपी सरकार थी वो फेल हमें नजर आई यहाँ पर। नितिन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, आखिर प्रदेश का युवा, क्या उसे रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी या विकास नहीं होगा, तो किस दिशा में जाएगा वो? मैंने सबसे पहले कहा कि नक्सलवाद का खात्मा तभी हो सकता है जब वहां रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को उनके अधिकार मिले। उनको उनके अधिकारों से लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी वंचित करती आई। वो क्षेत्र जो है विकास के नाम पे तरसता रहा, केंद्र की राज्य की कोई योजना है वहां पर जमीनी स्तर तक नहीं। जब ऑपरेशन करते थे तो आप लोग उसका आपत्ति करते थे। पहला काम, अरे भाई, 3 जिलों से 14 ब्लॉक से 14 जिलों में कैसे आ गए? चलो जवाब दे दो, मैं कुछ नहीं बोलता। चलिए सर, एक एक करके शांति गमन चैन बस्तर में कायम होगा। राजीव जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, नितिन जी को अपनी बात रखने दीजिए। साथ देंगे, और हम सब ये चाहते हैं कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो, हमारी पहली प्राथमिकता। नितिन जी, केंद्र का साथ में आना क्या मायने निकाले जाए? क्या ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार साथ में आई है आप लोगों के, क्या ये कहा जा सकता है जो नक्सली पैर पसार रहे थे अब लगाम लगाने में ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि केंद्र का बल आप लोगों के साथ है? बिल्कुल बल मिलेगा यदि सकारात्मक रूप से केंद्र ने सहयोग किया, तो निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र के जो पहल होगी नक्सलवाद के खिलाफ, इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बस एक ही चीज कहूंगा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कहें वो करें। बिल्कुल सरकार इस ओर अग्रसर है, और हम बिल्कुल बस्तर को नक्सल मुक्त करने की और दिशा में काम कर रहे हैं। सर, कैसा भेदभाव किया जाता है, क्या आप बता पाएंगे? भेदभाव बहुत सी चीजों में किया जाता है, जैसे राज्य कांग्रेस की सरकार बनी, भेदभाव बता दीजिए भाई, वहां जाइए, वहां
चलिए बिल्कुल। लेकिन सर तमाम मुद्दे आप लोगों ने रखे हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नक्सलवाद का समापन कैसे होगा, कैसे नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है। आज हमारी इसी पर बहस हुई है और सकारात्मक चर्चा तभी हो सकती है जब एक एक करके जवाब दिया जाएगा। बहरहाल वक्त की मेरे पास कमी है इसलिए मुझे इस चर्चा को यह समाप्त करना होगा, लेकिन कभी वक्त मिलता है तो इस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा रखेंगे जारी। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो यदि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तीव्र विकास होता, रोजगार होता या शिक्षा दी जाती तो प्रदेश का आम युवा नक्सली नहीं बनता। सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश के युवा को सुनहरा भविष्य नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके चलते गलत राह पर प्रदेश का युवा जा रहा है। और यदि प्रदेश का युवा गलत राह पर जा रहा है तो ऐसे में हमें और आपको सवाल उठाना होगा और आगे आना होगा। हालांकि केंद्र का ये कहना है कि नक्सलवाद के समापन के लिए हम साथ में आ गए हैं और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और नक्सलवाद का जड़ से खात्मा हो। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।